जगन्नाथ ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रमोद पात्र भाग्यफल कार्यक्रम कर्मकर्ता मानक तरफ केएन न्यूज टीवी परिवार तरफ ओ मनीज तरफ समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत करुछु। आरंभ करिबा हमर कार्यक्रम बीज मंत्र रु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वात्य हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्व बाधा प्रसम्मनम लोकेश क्लेश परी हरिओम तत्सत ओम शांति शांति शांति। पंजिका प्रकार मांगलिक कार्य विवाह व्रत गृह प्रतिष्ठा सब प्रकार मांगलिक वाणिज्य व्यवसाय सब आरंभ होला। पंजिका अपभ्रंश हो पांजी गोटे दीटा पांजी बर्तमान एगारटा पांजी है कि जो पांजी गजपति महाराज शंकराचार्य पुरीर मुक्ति मंडप अनुमोदन दे थाए आम निर्भरशील होगा उचित। कहीं कथा कहली विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार बारंबार मुझे इंडिया इज नॉट ओनली अ नेशन इट इज अ पॉपुलेशन जिते लोकर से मत गणतंत्र देश गण समस्त तंत्र जार तार कि आम स्वीकृति प्राप्त जिनस को खोजा स्वीकृति प्राप्त कथा दीर्घ 125 वर्ष धरी राधारमण पुस्तकालय जो पंजिका जगन्नाथ पंजिका बाहर करुचे मु कंटेक्ट प्रा पाखापाखि 40-45 वर्ष तक संसर्शे आसी देखिकी मुतक तैयार कै फलाफल दिए से पंजिका प्रकार जेहेतुक पंजिका मिसला आम जो मांगलिक कार्य करें दवा वर्ष शुद्धि है बृहस्पति शुद्धि तथा गुरु शुद्धि मस शुद्धि है रवि शुद्धि दिन शुद्धि है चंद्र शुद्धि आपको धरिक आम कर विभिन्न लोक विभिन्न पंजिकार विभिन्न प्रकार गुरु शुद्धि दे विभ्रांत सृष्टि होगा कि स्वीकृति प्राप्त नुह मुक्ति मंडप अनुमोदन करनी गजपति महाराज दस्तखत करना शंकराचार्य अनुमोदन करना केवल गोटे पंजिका राधारमण पुस्तकालयर पंजिका खड़ीरत्न पंजिका आप देखिए जगन्नाथ पंजिकार दस्तखत सर्टिफिकेट दे पंजिका प्रकार जेहेतु कि बृहस्पति चलन है साधारणत बृहस्पति राशि ठारु द्वितीय पंचम सप्तम नवम एकादश हेले शुभ बोली वर्णना करा जाइछ। गुरु शुद्धि आसला अक्ष तृतीया 23/4/2023 तारीख दिन बृहस्पति चलन हेले आपण देखिथिबे जो बृहस्पति चलन हेले से जो बृहस्पति चलन विभिन्न पंजिका किए 21 लिखी किए 22 लिखी कि राधारमण पुस्तकालय जोटा कि गजपति महाराज शंकराचार्य एपरिक मुक्ति मंडप अनुमोदन कर बृहस्पति चलन हेले आम जानवा केते थर का जावा बह मेलक जदि पु झीकर एका राशि हेले तृतीय एकादश 3/11 हेले चतुर्थ दशम 4/10 हेले सम सप्तम हेले ताहा विवाह मेलक राजजोटक बोली कुआ जाए मु कहूनी बिहारी कर्मकांड भैरव पृष्ठा 320 श्लोक 414 रे वर्णना करा जाइछि ता तल श्लोक 415 श्लोक रे वर्णना करा जाइछि राजजोटक हेले नागनाडी दोष नररक्षास दोष गण दोष वर्ण दोष तारा दोष ग्रह दोष प्रवृत्ति धरा जाए ना से बिहारी कर्मकांड भैरव पृष्ठा 320 श्लोक 415 से बिहारी कर्मकांड भैर पृष्ठा 312 श्लोक 399 रे षष्ठ भाव कह जन्म मास जन्म तिथि जन्म नक्षत्र रे विवाह निषेध एपरिक ज्येष्ठ पुओ ज्येष्ठ झीर ज्येष्ठ मास रे विवाह को बारण करा जाइछि हब केमती धर नियंतु जो मान जातक नाई घरे रखु ना कि अघटन हो जा रखु ना बा जमा जातक ना कौन बिना जातक बाहर ना प्रकार बहुत करा राशि प्रकार आप प्रश्न पचारे आज ना प्रकार केमती हम कहीं हम ना जो बड़े झी को कन्या को बापा कन्यादान करुंच पु
ପୁଅ ଘର ପଟେ ସେତେବେଳେ ରାଶି ଦେଖ ନା ରାଶି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ପ୍ରକାରେ ନା ପ୍ରକାରେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ରାଶି ଏ ରାଶିର ଝିଅକୁ ସେ ରାଶିର ପୁଅକୁ ଦେଉଛି କନ୍ୟାଦାନ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଧରୁଛନ୍ତି ସୋ ନା ପ୍ରକାରେ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାହାର ପ୍ରୀତିଭୋଜନ ନୈଶ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କୋର୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସକାଶେ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନା ପ୍ରକାର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ପ୍ରକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାରଣ ଆଇନ କହିଲା ଝିଅର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ 18 ଇୟର୍ସ 18 ଚାଲିଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ପୁଅର ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 20 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆଇନ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେହେତୁ 48 ବର୍ଷ କଥା ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା ପ୍ରକାର ବି କରିପାରିବେ କୋ ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପକାରେ ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦେବା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ 3-3 ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଜାଘର ଗୋଟେ ବାପ ଘର ଗୋଟେ ଡାକ ନାଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଶି ପକାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଶି ପ୍ରକାର ଦେବେନି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ ନାଁ ଦେବେ ବିବାହ ବେଳକୁ ନାଁ ଖୋଜିବେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେହେତୁ କି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ରାଧାରମଣ ପୁସ୍ତକାଳୟର ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅନୁମୋଦନ କରି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ରାଶି ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ସମ ସପ୍ତମ ତାହିଁରେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଅର ରାଶିଠାରୁ ଝିଅର ରାଶି 7 ହେଲେ ଝିଅର ରାଶିଠାରୁ ପୁଅର ରାଶି 7 ହେଲେ ତାକୁ ସମ ସପ୍ତମ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଷମ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେହି ପଞ୍ଜିକାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଷମ ସପ୍ତମ ନା ମେଷଠାରୁ ତୁଳା ବିଷମ ସପ୍ତମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସିଂହଠାରୁ କୁମ୍ଭ ବିଷମ ସପ୍ତମ ମିଥୁନ ଠାରୁ ଧନୁ 7 ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ ସପ୍ତମ ନୁହଁ ବିଷମ ବର୍ଜନୀୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାଧାରମଣ ପୁସ୍ତକାଳୟର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ବିଷମ ସପ୍ତମରେ ବିବାହ ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ନମ୍ବର ଏକ ବିବାହର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଭୋଗିବୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଇନ ଆଇନ ବାଟେ ଥାଉଛି ସଚେତନତା ସଚେତନର ବାଟେ ଥାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ କହିବି ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା 498A, 498B ହୋମ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇନ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ବିବାହ ପାଣିଗ୍ରହଣ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ସୁତ ହିବୁକ ଯୋଗରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ବିବାହର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ସହଯୋଗ ସହମତି ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ସହିତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିବେ କେମିତି ସୁତ ହେବିକ ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ବା ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିଦେବେ 1, 4, 7, 10 କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ଗୁରୁଶୁଦ୍ଧି ଚଳନ ହେଲା ବୋଲି କହିଲି ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର 1, 4, 7, 10 ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତାକୁ ସୁତ ହିବୁକ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ସୁତ ହିବୁକ ଯୋଗରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ସହିତ ଉପଭୋଗ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେହେତୁ କି ଆମର ସାଧାରଣତଃ 100 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳାନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ
पंजिका आरंभ हुए सही पंजिका प्रकारे 14 अप्रैल ठारु जितेबले कि नीलाद्री विजय हे जगन्नाथ कड़ लोटे हुए श्या रत्न श्यासन गला पर्यंत अर्थात 17 जुलाई पर्यंत ही पंजिका रे विवाह जोग रुहे पुणी मार्गशीर बिछा संक्रांति ठारु धनु संक्रांति यदि धरी नवा 15 डिसेम्बर ठारु 15 नवेम्बर ठारु 15 डिसेम्बर सी है बिछा संक्रांति बहुत जोग रहीपर माघ मास आप देखा मकर संक्रांति 15 जनवरी ठारु आम जदि गणित हिसाब करवा 14/14/3 पर्यंत विवाह जोग रहिबो भाबिवार किछ हमरा 100 वर्ष पछुक जानतु 100 वर्ष आगुक जानतु सही पंजिका सही भीतर ही विवाह जोग रहिबो यदि आपण माने पारंपरिक रीति रे सामाजिक चलन रे विवाह कार्य संपादन करुचंती ताले ए जो पंजिका जोटा कि राधा रमण पुस्तकालय रो पब्लिश हिची जोटा कि मुक्ति मंडप ताकु स्वीकृति देची गजपति महाराजा हस्तगत करिचंती शंकराचार्य स्वीकृति देचंती सेही पंजिका प्रकारे दिया जायतिवा जोग प्रकारे विवाह करि परिवे ये गोटे कथा द्वितीय भय मंगल आज्ञा मंगल दोष थिले माने मंगल दोष क्या कुआ जाए जातक जदि मंगल 1, 2, 4, 7, 8, 12 घर रे दोष कारक समस्त को किंतु व्यतिक्रम किए कह प्रस्तुत नुह जमी कहली पंजिका गोटे पंजिका स्वीकृति प्राप्त अन्य पंजिका बजार में चली कि स्वीकृति प्राप्त गोटे पंजिका राधा रमण पुस्तकालय पंजिका खड़ीरत्न पंजिका ताकू गजपति महाराज दस्तखत करंकराचार्य दस्तखत कर मुक्ति मंडप ही दस्तखत सेमती मंगल जतक 1, 2, 4, 7, 8, 12 घर रे दोषकारक पु झी बर कन्या स्वामी स्त्री उभय जातक मंगल दोष 1, 2, 4, 7, 8, 12 घर थी दोष खंडन हो जाए ये व्यतिक्रम कहना यह व्यतीत मेष राशि गृह मेष राशि व्यक्ति नुहति मेष राशि गृह है चर राशि गृह मंगल निज गृह कर्कट राशि गृह मंगल नीच गृह चर राशि गृह तुला राशि गृह चर राशि गृह मकर राशि गृह मंगलंकर उच्च गृह चर राशि गृह बिछा राशि गृह मंगलंकर निज गृह यही पांचटी मेष कर्कट तुला मकर बिछा यही पांचटी गृह रे जदि मंगल दोषकारक भाव रे 1, 2, 4, 7, 8, 12 घर थिले दोष संपूर्ण भाव रे खंडन हो जाए प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष भाव रे अणु परमाणु रो मंगलंग प्रतिकार बा प्रतिषेधकर आवश्यकता नहीं एणु भयभीत हेबे नहीं आपण को सचेतन कर आपण कहि पारु नांती रही पारु नांती सोई पारु नांती विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार आपण द्वंद्व रे पडुचंती तेणु ये थिला आपणकर षष्ठीकरण बर्तमान समय तो स्वल्प आम भाविबा जे बार आज दिन टी 12 राशि मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिचा धनु मकर कुंभ मीन राशि किपर कटिबो मु चुंबक उपस्थापना कर मेष राशि 1/1 अश्विनी मेष 2/1 द्विजा मेष 3/1 कृतिका मेष आज दिन टी प्रत्येक दृष्टिकोण रु आशा ठारु अधिक शुभफल भोग करिवे अर्थ समर्थर कारण हबो आशा वास्तवता रे परिणत हबो नूतन कार्यक्रम हाथ को नेबे व्यवसाय माने व्यवसाय को संप्रसारण करिवे बेकार लोक माने लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे दक्षता प्रतिपादन करी बेसरकारी स्तर रे कर्म क्षेत्र रे अवस्थापित हवा निश्चित प्रतिकार आवश्यकता वृष राशि 3/2 कृतिका वृष 4/2 रोहिणी वृष 5/2 मृगशिरा वृष वृष राशि पाई शनि जोग कारक भाव में मूल त्रिकोण ग्रह कुंभ राशि अवस्थान कर बृहस्पति द्वादश घर रही बृहस्पति तो खराब देवेनि शुभर मात्रा कमीजे एणु आपण निश्चित भाव कर्म क्षेत्र में अवस्थापित हे कि निजुक्ति पत्र मिलला बेलू विलंब हम बह मांगलिक कार्य संपादन हम व्यवसाय मैंने आशा ठार् अधिक उपार्जनक्षम हे ऋण परिशोध करें गृह स्वतंत्र पूजा अर्चना करें मांगलिक कार्य करने ज्योतिर्विद पंडित सहित विचार विमर्श रही तारीख धार्य करी कल्याण मंडप बुकिंग करिवार ष्ठ सूचना मिलूँ
देह सुस्थ रहिबा प्रतिकार आवश्यकता। मिथुन राशि 5/3 मृगचरा मिथुन, 6/3 आद्रा मिथुन, 7/3 पुनर्वस मिथुन। मिथुन राशि पाई जेहेतु एकादश गृह इच्छा पूरण लाभ गृह रे, मेष राशि गृह रे अक्षय तृतीया दिन बृहस्पति आसी अवस्थान करिसंती, एणु आशा वास्तवता रे परिणत हो। शनि मूल त्रिकोण घरे थिबा जगु कठोर परिश्रम करिवे एवं श्रृंखलित जीवन यापन अतिवाहित करिवे। आईन अदालत रे विचाराधीन थिबार मालिमकता राय आपनक सपक्ष रे जीव। जो माने आईन व्यवसाय करचंती एडवोकेसी, जो माने भेषज विद्या तथा मेडिसिन सहित संपर्कित अछंती, जटिल समस्या को सरल उपाय समाधान करी प्रशंसार पात्र हवा संगे संगे आशा ठारु अधिक उपार्जन क्षम हे। देह सुस्थ रहिब प्रतिकार आवश्यकता नहीं। कर्कट राशि 7/4 पुनर्वसु कर्कट, 8/4 पुष्या कर्कट, 9/4 अश्लेषा कर्कट। पूर्व दिगरु किंबा उत्तर दिगरु कर्म क्षेत्र रे निजको अवस्थापित कराइबे। देह सुस्थ रहिब, उद्यम रे सफलता मिलिब। जो माने कॉर्पोरेट सेक्टर रे कार्य करचंती, जर कार्यदक्षता नियम अनुवर्तिता श्रृंखलता पाए कार्य करथुवा संस्थार अनुमोदन क्रमे उन्नत विकासशील पाश्चात्य राष्ट्र वेस्टर्न कंट्रीज USA किबा UK जीवा पाए आपण नाम को अनुमोदन करा जीव। युद्धकालीन भितरे पासपोर्ट और विसा मध्य करिवे। देह सुस्थ रहिबो प्रतिकार आवश्यकता। सिंह राशि 10/5 मघा सिंह, 11/5 पूर्व धनु सिंह, 12/5 उत्तर फाल्गुन सिंह। नवम बृहस्पति होइतिबा जोगु अक्षय तृतीया दिन बृहस्पति मीन राशि रु मेष राशि को संचार करतिबा जोगु सिंह राशि 10/5 मघा सिंह, 11/5 पूर्व धनु सिंह, 12/5 उत्तर फाल्गुन सिंह नवम बृहस्पति हेबे। एणु जेउ जीवन साथीर राशि सिंह तुला बिच्छा वृष मिथुन राशि होइतिब ताहा विवाह मळक पई राजजटक हो। रौतवा स्थान रे स्थान ठारु किबा जन्म स्थान ठारु पूर्व दिग किबा उत्तर दिग किबा पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोण रु विवाह प्रस्ताव आसी विवाह कार्य संपादन हबो। बेकार मानक पई नियुक्ति पत्र मध्ये मिलिबो। विचाराधीन थिबा माली मकदमार सुनाणी आपनक सपक्ष रे जीव। कम परिश्रम करिवे अधिक उपार्जन क्षम हे। देह सुस्थ रहिब प्रतिकार आवश्यकता नहीं। कन्या राशि 12/6 उत्तर फाल्गुनी कन्या, 13/6 हस्ता कन्या, 14/6 चित्रा कन्या। कन्या राशि पई षष्ठ गृह रे शनि थिबा जगु गुप्त शत्रु माने परिस्थितिर चापरे पड़ी सुप्त अवस्था रहिबे। अष्टम रे बृहस्पति थिले मध्य घात प्रतिघात सत्वे विलंब रहले मध्य लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबे। गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स। जो माने कार्यरत रहिचंती सतर्कता अवलंबन करिबे। कौनसी प्रकार विश्रुंखलित कार्यक्रम हे ज्ञान जवाब सवाल रे अंश ग्रहण करिबे नाही, फळरे आपणको षष्ठीकरण मगा जाई पारे, उत्तरदायी करा जाई पारे। एणु हाते मापी चाखंडे चलिबे, सरस्वतीक मंत्र को पढ़िबे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बागबादिनी सरस्वती मम कंठे मम परिवार कंठे वसमानाय स्वाहा। तुला राशि 14/7 चित्रा तुला, 15/7 स्वाति तुला, 16/7 विशाखा तुला। बहुत दिन परे परिकल्पित योजना को सुचारू रूपे संपादन करी समस्त प्रिय पात्र हे दृष्टि केन्द्रबिंदु हे। तुलनात्मक निष्पत्ति नहीं योजना को कार्यकारी करुवा जो आशा ठार अधिक लाभवान हे। जो मैंने आईन व्यवसाय करते एडवोकेसी, जो मैंने भेषज विद्या सहित संपर्कित मेडिसिन होलसेल मैं सेल एंड परचेज करूँ से ही क्षेत्र में आप देखिए निजर आशा ठारू अधिक लाभांश मिल। जो माने कि तरल पदार्थ नित्य व्यवहार जिनिष अत्यावश्यक जिनिष खनिज पदार्थ रियल एस्टेट क्षेत्र में अर्थ विनियोग करिसंती बहुमात्रा रे लाभवान हे। देह सुस्थ रहिब प्रतिकार आवश्यकता। बिच्छा राशि क्षमा करिवे 16/8 विशाखा बिच्छा, 17/8 अनुराधा बिच्छा, 18/8 ज्येष्ठा बिच्छा।
निजर जीव को नियंत्रणाधीन करंतु, लगाम छड़ा करंतु ना। आपणकर हे ज्ञान औदत्य अहंकार लक्षण रेखा नियंत्रण रेखा अतिक्रम कर जीव, फल प्रत्येक कार्यकलाप उत्तरदायी रे षष्टीकरण हम परिवार रे, समाज रे, कर्म क्षेत्र रे, बंधु माने दूरे जिवे, शत्रुता आचरण करिवे, आशा आशंकार परिणत हम, समस्त प्रकार योग्यता दक्षता पारदर्शिता चतुरता अक्लांत उद्यम सत्वे आशानुरूप शुभ फल शेष मुहूर्त में हाथ छड़ा हो जीव। एणु समस्त को प्रिय पात्र हवापी उद्यम सफलता पाइबा को लक्ष्य स्थल में पहुँचापी जेकोसी शनिवार दिन निकटस्थ लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में निजर नाम गोत्र उच्चारण कर 108 खंड तुलसी नृसिंह मंत्र प्रदान करूँ। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वत मुखम नृसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यम। ओम लक्ष्मी नृसिंह नमः। आंतरिकतार सहित शरणापन्न भाव में जदि या पदक्षेप ग्रहण करती बहुमात्र उपशम मिल। धनुराशि 19x9 मूला धनु 20x9 पूर्व षड़ा धनु 21x9 उत्तर षड़ा धनु। आपणक नम्रता आपणक नीरवता जनप्रियता को बहुमात्रा रे परिवर्तित करिवो, आशा वास्तवता रे परिणत हो। जेहेतु कि धनुराशि ठारु तृतीय विक्रम साहस स्थान रे शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि रे अवस्थान करिसंती एवं बृहस्पति धनकारक इच्छार कारक मांगलिक कारक ग्रह पंचम स्थान रे मेष राशि गृह रे अक्षय तृतीया दिन आसी अवस्थान करितिबा जगु प्रतिद्वंदिता क्षेत्र रे विजय हेबे। देह संपूर्ण भाव में सुस्थ रहिब, उद्यम सफलता मिलिब, नूतन कार्यक्रम हाथ को ने समस्त दृष्टि केन्द्रबिंदु हे प्रशंसार पात्र हे। देह सुस्थ रहिब, प्रतिकार आवश्यकता रहे। मकर राशि 21x10 उत्तरषणा मकर 22x10 श्रवणा मकर 23x10 धनिष्ठम। मकर माने कुंभीर, कुंभीर है उभयचर जलर रे स्थल एणु अति चतुरतार सहित निज कार्य हासिल करने प्रत्येक परिस्थिति परिवेश चिंताधारा व्यक्तिशेष सहित खाप खुआई चल निज कार्य को हासिल करे प्रतिनिधित्व करे कौन से वित्तशाली चित्तशाली क्षमताशाली व्यक्ति साहय सहयोग सहानुभूति आंतरिकता ममता मनोबल को द्विगुणित करने संगे संगे क्षमतार बल भितर रे पुरतन जानवान को विक्रय कर नूतन जानवान क्रय करे। देह सुस्थ रतिकार आवश्यकता ना। कुंभ राशि 23x11 धनिष्ठ कुंभ 24x11 सतविश कुंभ 25x11 पूर्वभद्र कुंभ। कम कहे अधिक लुचे शनि आपणकर कुंभ राशि मकर राशि 37.5 शनि ना बहुत दिन कार्यक्रम जोटा कि अटकी जाता आश्चर्यजनक भाव में अगर सहयोग सहानुभूति सहित पूर्णांग करे। देह संपूर्ण भाव में सुस्थ रहा सहित बंधु बांधव सहित रोथवा स्थान रे स्थान ठारू कि जन्म स्थान ठारू पूर्व दिग किंवा उत्तर दिग किंवा पूर्व उत्तर कोण को तीर्थ यात्रा दूर यात्रा करिवे भू संपत्ति क्रय करिवे। देह सुस्थ रहिबो, प्रतिकार आवश्यकता नै। शेष राशि आज्ञा मीन राशि 25x12 पूर्व भाद्रपद मीन 26x12 उत्तर भाद्रपद मीन 27x12 रेवती मीन। जेहेतु कि अक्षय तृतीया दिन राधारमण पुस्तकालयर पंजिका प्रकार जोटा कि आपणकर शंकराचार्य अनुमोदन करिसंती गजपति महाराजा दस्तगत करिसंती मुक्ति मंडप सभा ताको अनुमोदन करिसंती सेही प्रकारे अक्षय तृतीया दिन बृहस्पति मीन राशि मेष राशि को संचार करथिबा जगु द्वितीय बृहस्पति हेले विभिन्न दिगरु अर्थर झड़ा बहिबो देयर विल बी विंडफॉल अप माने अधिक उपार्जनक्षम हेबे निजर निष्ठा चेष्टा प्रचेषा जो मर्यादार सहित प्रतिष्ठा लाभ करे पुरतन जानवान को विक्रय कर नूतन जानवान क्रय करे बहुत दिन आशा आकांक्षा बाहूते भावुले जे हृष्ट पृष्ट मेधावी संतान प्राप्ति पाए वर्तमान संतान कारक ग्रह धन कारक ग्रह उज्ज्वलमय भविष्य कारक ग्रह बृहस्पति अक्षय तृतीया दिन राधारमण पुस्तकालय पंजिका प्रकार मीन राशि मेष राशि को संचार करथिबा जोगु निश्चित भाव संतान प्राप्ति हेबो उद्यम सफलता मिलिबो
ଅର୍ଥର ଝଡ଼ ବହିବ, ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଚର ପ୍ରକାରେ କିପରି କଟିବ। ଆପଣ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ନିଜର ନାମ ଠିକଣା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖି ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟଫଳ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 187 N/2 IRC ଭିଲେଜ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବିଦାୟ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟାଏ ସତ୍ରରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ TVରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।